आज आप धर्मांतरण के घिनौने खेल को जानकर चौंक जाएंगे। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि कैसे सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने धर्मांतरण जैसा घिनौना खेल खेला था। आपने देखा होगा कि कैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम और यहां तक कि सपा बसपा सरकार में मौज करने वाला IAS ऑफिसर भी धर्मांतरण के गोरख धंधे में लगा हुआ था। यही नहीं, जब UP पुलिस धर्मांतरण के गद्दारों पर कार्रवाई कर उनके होश ठिकाने लगा रही थी, तब सपाइयों ने विधवा विलाप शुरू कर दिया था। सपा नेता अबू आजमी ने तो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड उमर गौतम को निर्दोष तक बता डाला था। धर्मांतरण के इन गद्दारों को हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए विदेशों से अरबों की फंडिंग होती थी और सत्ता के संरक्षण में इन लोगों का व्यापार खूब फलता फूलता था। चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा, सबने सालों तक हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनका वोट लिया, लेकिन सत्ता मिलते ही उनकी पीठ पे छुरा घोंप दिया। लेकिन सुन लो गद्दारों, अब हिंदू समाज जाग चुका है, वो तुम लोगों के ढोंग को अच्छी तरह समझ चुका है। अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहो 2022 में विदाई के लिए।